आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल देवप्रीत पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि जो मेरे पिछले लेक्चर के बेसिस पे है कि इलिमिनेट द कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, तो उसी पे ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। तो हमको क्या निकालना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमको क्या करना है, फाइंड करना है किसका, सर्कल का। तो देखो हम लोग जानते हैं कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, हम लोग को पता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हम लोग को पता है कि ये क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, जिसको हमको क्या करना है, हटाना है। तो देखो यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, एक यहाँ पे, मतलब कि ओनली एच हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, मतलब कि हमारे ओनली वन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको मात्र एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम लोग अच्छा से लिख लेते हैं। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर यदि हम लोग फार्मूला लगाएं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यही आएगा। तो देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल। उसके बाद जो हमारा बचा पार्ट उसको लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ पहले, फिर माइनस टू एक्स एच, ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन एक। तो अब हम लोग क्या करना है कि एक बार हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमारा ओनली वन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो कि एच है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी जितना भी होता है क्या होता है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होता है, एक्स वाई जेड को छोड़ करके। तो देखो अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा टू एक्स, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, टू एच आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखो हम लोग एच का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो क्या करेंगे, तीनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉमन ले लिए, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एच इक्वल टू जीरो, दो को उस साइड लेके जाओ, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एच इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एच का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन टू, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को, एच का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, एच का वैल्यू हमारा कितना है, एक्स प्लस y, ठीक है, हाँ सही है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वल टू जीरो, हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो चलिए अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के व्यू के अनुसार से, क्योंकि ये हमारा पीटीओ में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर पाँच करेंगे। तो देखिए चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा क्या हो जाता है कि पारा उसके जो उसका एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, क्या हो जाता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई माइनस के होता है, ठीक है। ये खास करके बोलेगा कि इलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, तब क्या करते हैं हम लोग, ये खास करके हम लोग को दिमाग में सेट कर लेना है कि जब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को हटाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए हो गया आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, वाई के हो गया, एच हो गया, ये तीन क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तीन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट शुरू करते हैं।
इसका जब पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब पहली बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x-h हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 4a, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास y का dy/dx। ओके, अब उसी तरह से आप दोबारा करना, अगेन लिख देते हैं AGAIN, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कर रहे हैं ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ का 2 है तो 2 हो ही रहेगा ही ठीक है, 2 इन टू, तो देखो यहाँ पे 2 हम लोग को रखना ही नहीं है, पहले डायरेक्ट ही काट, यहाँ पे कट कर देता हूँ, देखो 2 से 2 इधर कट सकता हूँ ना हम लोग 2, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पहले डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा, सबसे पहले इसको लिख देता हूँ कि x-h बच गया हमारे पास यहाँ, तो 2a dy/dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखो x को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो h है, h क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, वो 0 ही होता है, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2a, तो 2a, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d²y/dx² ठीक है। अब फिर क्योंकि 3 हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो फिर अगेन जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, इसका हो जाएगा क्या 2a d³y/dx, क्या हो जाएगा हमारे पास dx³, तो यहाँ पे ही डायरेक्ट कर देता हूँ क्या उधर लिखना उलट के, तो यहाँ पे आ जाएगा d³y/dx³, कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को इस साइड लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्या है, एक सिंपल सा टॉपिक था कि एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो अब जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल सेवरियल मेथड है, उसके बाद क्या है होमोजेनियस इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन है, इन सभी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, इसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए आपका जो भाई का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच।